और जो लोग पत्थर फेंके बटे तू जो बोतला फेंकी वनारे खिलाफ FIR फाइल करेगा। यो आश्वासन जो कलेक्टर साहब जब पापा बटे बैठिया सवारी सामने यो आश्वासन कलेक्टर साहब दियो है कि यो रिसीवरशिप भी कार्रवाई सुबह शुरू होगा और FIR की कार्रवाई भी कल सुबह शुरू होगा। तो अनि वास्ते यो रस्तो ठीक आज वास्ते तो ठीक है, तो आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि कल सुबह जो रिसीवर नियुक्त करके वो काम शुरू करे कि नहीं करे। आपने तो सिर्फ यही है कि काम शुरू करे काले जो आपने आश्वासन दियो। तो अनि वास्ते मारे ख्याल में आप सब शांतिपूर्वक रहा और कल सुबह जो भी रहेगा अभी काले ही रहेगा। तो आप सभा ने मारे बहुत बहुत महाराणा आप हमको करो हम आपके साथ है बाबूजी राज आप क्यों जो करवन तैयार है बाबूजी जयपुर राव के बारे में आयो चित्तौड़ूंगा मारवाड़ अभी चित्तौड़ू साथ एकलिंग जी दर्शन कल एकलिंग जी दर्शन शायद परसों होएगा दर्शन परसों काले काले धुनी किस वेगा धुनी रो पहले आपने देख में सुबह रिसीवर रो काम शुरू हुए कि नहीं हुए सब पहला वही नहीं वे तो बाद कभी भी जाए यो अंडरटेकिंग है सरकार रे अंडरटेकिंग सिटी पहले शुरू होवे अरे नहीं वे तो कहां पहले सामने आपने वही देखनो हुए आश्वासन पे कायम रहे कि नहीं अरे नहीं रे तो अगर कायम नहीं रहते तो सबको सुबह इकट्ठा होना वापस प्रशासन तो बदल सक्रिय है पूरी सुबह जनता दुकाने बंद रही सुबह कितनी बजे बाजी फिर गाली सुबह सब आड़ो है कितनी बजे बाजी आई जाओ सुबह 6 बजे 6 बजे तो नहीं है चार घंटे सीजन के टाइम एक्चुअल में के कलेक्टर साहब फोर्स इन्वॉल्व की दी है हेड जरासमन बिलवाड़ा और चित्तौड़ी पूरा सिटी पहले अंडर कवर लेवाते हैं फोर्स की जरूरत है आणि वाते मना की तो है कि कल सुबह 8 बजे तक आप रुपया सिटी पहले अंडर कवर वेगा मंडे बाद में महाराज साहब रे दर्शन करावा लेकिन बाजार महाराणा साहब ने अंदर फिर भी कोई टाइम जाएगा यो लीगल ना नोटिस चिपके दो बटे कल 12 बजे सब नेटे पेड़ो कल 12 बजे नहीं तो मंडे बाद में आपने आखिरी कार्रवाई जो हुक्म करे जो आपने बात से मतलब आपने बात से बोले तो यही से के आपने सूरज बोल उदय बोल कटू नहीं घुसवा देगा राजपूत भी कम नहीं है मेवाड़ को बोलो करो नाथ की जय छत्तीसगढ़ और बैरिकेडर पे 6 घंटे तक बैठा खाली राजपूत नहीं छत्तीसी कौन में होगा नाथ की जय की आपने आवाज़ पता अरे आपको
गाड़ी में बैठ गए सामने नवीन रस्ता खोलो रस्ता खोलो तो आप सब जो है वो गेट खोले, तो अभी तो कोई रिएक्शन उस तरफ से कोई आया नहीं है, तो ये स्थिति है। अब एक दो दिन में सुबह से एक बार देखते हैं, देखो गेट खुलेगा एक दो दिन में। एक बार सुबह अपन गेट खुलने का इंतजार करते हैं, गेट कब खोलेंगे। तो वो आपने क्या सेक्शन मेंशन बताया था मुझे, वो अगर अगर कोई आदमी इस ऑर्डर की अवहेलना करता है तो 188 में उसके खिलाफ केस दर्ज होता है, क्रिमिनल केस दर्ज होता है, वो भी दर्ज करेंगे। और जो ऊपर से पत्थर फेंके गए हैं ये फेंके गए, उसकी भी FIR दर्ज होगी। तो ये परिस्थिति है। अब वो क्योंकि जो अपनी बात हुई थी पहले, ये थी कि इसको रिसीवरी में ले लो, ये भी सहमति के बाद ही की गई थी। तो मेरी तो सबसे रिक्वेस्ट है कि सब लोगों को अपने अपने कल ही निपटारा करके इसके नहीं, कल ही धूनी पे दर्शन करा करके कल की तारीख में एक लिंग जी के दर्शन होंगे। देखिए विमान बात ऐसी है, नए नए लोग नहीं बोले, जिनसे बात हो रखी है हर बार नया आदमी बोलेगा तो कहाँ जाएंगे। सबू पहले आज के दिन जो आप सब लोग मारो साथ दियो, मेरे वास्ते आप सभा ने मारो बहुत बहुत धन्यवाद। और मने खुशी है कि मेवाड़ा मनक आज भी जो है सही बात वास्ते आवाज़ उठावे वास्ते तैयार है। और मने और भी खुशी है कि आप लोग आवाज़ उठाओ, तो आप कानून हाथ में नहीं लो, आप सभ्यता में आवाज़ उठाओ, क्योंकि मेवाड़ साहस वास्ते तो मशहूर है लेकिन सभ्यता वास्ते भी मशहूर। बेटे गलत हो, आपने आवाज़ तो उठानी है लेकिन कानून हाथ में नहीं लेना है। तो आप कानून हाथ में नहीं लियो और आवाज़ उठाई है, वास्ते मैं आप मैं तो खुशी हूँ। और आप सभा ने बहुत बहुत धन्यवाद। और यह बात जो शुरू हुई है कि मैंने तो सिर्फ बटे जाने दर्शन करना, लेकिन अब बात बढ़ने जो आज की स्थिति है, अभी शायद 1 बज गई रात में, तो अभी जो रस्ता निकलियो एक तरफ हमारे थोड़ी सी भी थोड़ा खेद है, ये जो प्रशासन की तरफ थोड़ी घनी कमजोरी भी नज़र आई है कि एक दर्शन रो भी इंतज़ाम नहीं दे सके। लेकिन जो रस्तो निकलियो है अखबार के, वे जो रिसीवर करेगा मतलब वो तो पुलिस और थानेदार कब्जो मेरे हाथ में लेगा, तो वे कब्जो लेगा, बड़ा कब्जो लेगा। जो आप जो आबाद बताए वो मैंने आश्वासन दिया, और आप सबारे सामने भी क्योंकि जो लोग पत्थर फेंके हुए बनारे खिलाफ FIR फाइल करेगा, अगर वो जो नोटिस पेश करी हो बनारे गेट पर अगर वो अवेलना वेगा तो बनारे खिलाफ एक और जो भी पुलिस कार्रवाई वेगा उन्हें हिसाब में करेगा। तो हमें आज के दिन जो आपने आश्वासन के अनुसार कब्जो है सरकार के करने, ना तो हमारे कब्जो है ना तो बनारो कब्जो रहेगा, अब आज सरकार के करने जाएगा। और सरकार का जो भी
कानूनी प्रक्रिया पूरी करेगा, ये आश्वासन आप दे रहा है, आप सब लोग अरे सामने दे रहा है ये आश्वासन। तो अभी वास्ते आज वास्ते हमारे ख्याल में अप्रोच काफ़ी है और आपने देख लो है कि रिसीवरशिप ले रहे हाथ में और पचे आगे आप देख रहे दरवाजे को खोलने की बात कर रहा है और आप कह रहे हैं कि आई थिंक नहीं खुलेगा तो आप दरवाजा बंद है, ये दिक्कत आ रही है दरवाजा कर लीजिए ना साहब। आपके हाथ में कभी भी करी सको।